गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हुआ है 11:56, मतलब लगभग 12 बज चुके हैं और ये ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हो रहा है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही लेट शुरू हो रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरा जो कल का रिपब्लिक डे का ब्लॉग था ना, वो मैंने रात को एडिट कर दिया था और उसका जो थंबनेल बनाने में थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया, तो वीडियो अब तक तो आ चुका है, आप लोगों ने तो देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। गाइस अभी मैं लंच करके आ चुका हूँ और अभी टाइम हुआ है 12:45। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने एक रेफ्रिजरेटर मंगाया था, पर हुआ क्या, रेफ्रिजरेटर डिफेक्टिव आया था तो हमने रिटर्न तो कर दिया था, पर उनके जो डिलीवरी है ना, वो एजेंट वो आते नहीं थे रिटर्न लेने के लिए, मतलब पिकअप करने के लिए आ नहीं रहे थे। तो अभी जस्ट मुझे कॉल आया है उनसे कि हम आपको जो रेफ्रिजरेटर है उसको हम पिकअप करने आ रहे हैं और आप लोग क्या, आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो पैकअप हुआ है, मतलब पैक हो चुका है। मैंने बोला हाँ पैक तो हो चुका है, आप आके ले जाइए। तो उन्होंने बोला हाँ अभी हम 5-10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, आप घर पे रहे। मैंने बोला हाँ आप आइए, हम रेडी है। एटलीस्ट मतलब कितने दिनों बाद फाइनली ये तो जा रहा है, ये जाएगा तभी हमारा पैसा आएगा, तभी नया रेफ्रिजरेटर आएगा, क्योंकि इनका और रिप्लेस नहीं होता, सिर्फ रिटर्न ले लेते हैं। देखते हैं जब आएगी आपको तब दिखाऊंगा। ओके गाइस आप देख सकते हो हमारा रेफ्रिजरेटर अभी लिफ्ट से जा रहा है। एक तो सोसाइटी में भारी चीजें लिफ्ट से ले जाना अलाउ नहीं है, पर हम जब ऊपर ला रहे थे ना सीढ़ी से तो जान निकल गई थी भाई, इसलिए ले रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ये हमारा रेफ्रिजरेटर जा रहा है। तुसी जा रहे हो? तुसी जा रहे हो? हमने इनके तरफ से लिफ्ट से नीचे भेज दिया है, अभी हम स्टेज से जा रहे हैं, देखेंगे वहां पे जाके गाड़ियां कुछ करेंगे। देख सकते हो अभी रेफ्रिजरेटर नीचे आ चुका है और अभी हम लेके जा रहे हैं, वहां पे आगे इनका ऑटो है उसमें लोड करके ले जाएंगे। गाइस अभी किसी ने देख लिया और वो चिल्ला रहे लिफ्ट से कैसे ले आए, मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। गाइस देख सकते हो एक्चुअली क्या, इनका ऑटो छोटा है ना, तो उन्होंने बोला रेफ्रिजरेटर ऐसा नहीं जाएगा, हम इसको बैंड करके ले जाएंगे, तो बैंड करके इसको ले रहे हैं, फिर पीछे नीचे से इसको सपोर्ट देंगे तो ये गाड़ी चलेगा तो पीछे नहीं खिसकेगा। तो ये तो चला गया अभी अंदर, सो बाय बाय रेफ्रिजरेटर। गाइस फाइनली हमारा ये जो टेंशन था ना, ये तो घर से चला गया। अभी हमें शाम तक तो हमारा पैसा भी आ जाएगा, फिर देखेंगे, अभी तो कोई ऑफर नहीं चल रहा है, जब ऑफर आएगा तब फिर से ऑर्डर कर लेंगे। तो अभी क्या कर रहा हूँ, अभी लगभग कितने बज चुके हैं, 1:41। तो अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और मैं आपको मिलूंगा कितने बजे, 4 बजे। ओके बाय। अभी टाइम हो चुका है शाम पे 4:00, मतलब एग्जैक्टली 4। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं 4 बजे मिलेंगे, आज एग्जैक्टली 4 बजे मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया। और मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 4 बजे तक पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं 3 बजे तक पढ़ाई किया, फिर थोड़ा बोर लगा ना तो मैंने किताबें रखा, मैं सोचा बाद में पढ़ूंगा और मैं आ गया टीवी देखने। आप लोग सोचोगे मैं टीवी में क्या देख रहा हूँ, राइट? मैं टीवी में ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूँ, टीवी में यूट्यूब ऑन करता हूँ, ज्यादातर मैं यूट्यूब ऑन करके सर्च कर लेता हूँ कॉमेडी सीन्स फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज, जैसे लाइक गोलमाल के आ जाते हैं कॉमेडी सीन्स, फिर हेरा फेरी के, जैसे अभी भी देख रहा हूँ मैं हेरा फेरी के सीन, आपको दिखाता हूँ, आपको तो ये दिख रहा है बाबूराव, देखो जैसे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है क्या? देवी प्रसाद घर में नहीं, कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है। मुझे ये बहुत पसंद है भाई, मतलब हेरा फेरी, फिर ले लो हमारा गोलमाल, फिर हाउसफुल, मुझे ये मूवीज बहुत पसंद है क्योंकि मैं ज्यादातर कॉमेडी मूवीज देखता हूँ। अभी थोड़ा मास मूवी बोल रहा है तो थोड़ा मासी मूवी देख रहा हूँ, बट ज्यादातर मुझे कॉमेडी मूवीज और ज्यादा पुराने मूवीज, जैसे अक्षय कुमार के ज्यादा पुराने मूवीज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो सब देखता रहता हूँ। और आप लोग भी चाहो तो फिर से देख लो यार, क्योंकि ये जो है ना मूवीज जितनी बार देखो ना, मतलब आपका मन नहीं भरता, देखते रहो, इतनी मजा आता है मुझे। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ब्लॉग सुना है तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।